तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम लोग ने क्या देखा था लास्ट क्लास, कि अगर हमारे पास एक सेल है मेगा स्पोर मदर सेल, तो मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक कैसे बने। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में तो पहले हम लोग ने मेगा स्पोर बनाया मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल से हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। तो ये हमारे मेगा स्पोर मदर सेल है ना, ये 2N होती है, और 2N मतलब डिप्लॉयड होगी, और अगर ये डिवाइड करेगी तो कितने सेल बनेंगे, ये डिवाइड करेगी तो मियोसिस डिवीजन के बाद कितने सेल बनते हैं, चार चार सेल है ना। और चार सेल कैसे बनते हैं, NN हैप्लॉयड बनेंगे चारों चारों, है ना। तो चारों हैप्लॉयड सेल बने, जिसमें से जो तीन सेल होंगे वो क्या करेंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे ऊपर वाले, और एक सेल रह जाएगा, और ये जो सेल रहेगा वो फिर मियोसिस डिवीजन ना करके माइटोसिस डिवीजन करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब कि दोनों सेल डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे वो कैसे होंगे, वो दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल अनडिजाइज्ड। होंगे। हाँ इक्वल होंगे, जैसे उसके पेरेंट सेल होंगे वैसे उसके दोनों डॉटर सेल भी होंगे। तो यहाँ पे एन हमारे पास पेरेंट सेल है, एन पेरेंट सेल है, तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद से भी हमें दो सेल मिलेगा, और दोनों कैसे होंगे, एन एन होंगे। सेल देखो मियोसिस में नहीं होते आइडेंटिकल। मियोसिस में आइडेंटिकल नहीं होते एकदम। देखो यहाँ पे 2N है ना, तो 2N से मियोसिस कैसा हो गया, N हो गया। अरे बसंत, और यहाँ पे बट भी गया, चार सेल बने, हाँ सर, और वो मतलब उसकी क्रोमोसोम संख्या क्या होगी, आधी होगी, पहले 2N थी, अब कितनी होगी, N N N होगी, है ना। अब उसमें से किसी एक N को लीजिए, उसको माइटोसिस करेंगे, बाकी तीन तो डिजेनरेट हो गए। अब इसका माइटोसिस करेंगे तो एक से दो सेल बनेगा, और दोनों सेल कैसे होंगे, दोनों सेल ही हमारे पास कैसे होंगे, एन को क्या, आइडेंटिकल। एन एन को क्या बोलते हैं, एन को हम लोग हैप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे एन होंगे, ठीक। ओके सर, अब ये क्या करेंगे ना, दोनों अभी अपने अपोजिट, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे। ये ऊपर वाला चला जाएगा ऊपर, और नीचे वाला आ जाएगा नीचे की तरफ, है ना। सर जो माइटोसिस से बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड्स, और मियोसिस से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। नहीं देखो, मियोसिस या माइटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के आधार पे नहीं है, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस का मतलब क्या होगा, कि जितना मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शनल टू डिवीजन, एन से हाफ हो जाएंगे। हाँ सर, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर पेरेंट में, अगर मान लो क्या है, अगर टू अगर अगर पेरेंट में मान लो 2N है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 2N बोलने का मतलब मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 46 क्रोमोसोम से कितना हो जाएगा, 23। लेकिन माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा, कि एक सेल से आपने फिर दो सेल तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका क्रोमोजोम नंबर 46 है, या फिर आप इसको 2N भी बोलो, अगर इसका क्रोमोजोम नंबर 46 है, तो इसका भी क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, 46 है, ठीक है। 46। और यहाँ पे कितने सेल बनेंगे, यस, यहाँ पे दो सेल बनेंगे टोटल, और यहाँ पे कितने सेल बनेंगे, यहाँ पे टोटल टोटल यहाँ पे चार सेल बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा केस देखो, कि अगर मान लो यहाँ पे एन सेल होता, और इसमें माइटोसिस डिवीजन कराना है, एन होता, या फिर मैं बोलूँ 23 होता क्रोमोसोम, तो माइटोसिस डिवीजन होने के बाद से कितना सेल बनेगा,
सर कौन सा कराया, माइटोसिस, हाँ माइटोसिस सेल डिवीजन करने में से कितना सेल एंथ है बनेगा? तो एन बनेगा, 23 का ही बनेगा, ट्वेंटी हाँ बनेगा थ्री ट्वेंटी थ्री। बनेंगे और एंथ दोनों, कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे है ना। चलो दो बनेंगे आई बात समझ। माइटोसिस। यस कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नमस्ते। चलो ठीक है। अब देखो तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे अब फिर से एक और माइटोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर से एक और माइटोसिस होगा। ये तो अपने अपोजिट पोल पे चले गए। चलो ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस नहीं करा रहा मैं, लेकिन इसी दौरान ये अपोजिट पोल पे चले जाते तो माइटोसिस होता। ठीक, तो यहाँ पे एक और आपने माइटोसिस कराया और फिर कितने सेल बन जाएंगे टोटल हमारे पास? एक और बार दो बनेंगे, मतलब यहाँ ऊपर चार वाले में दो बनेंगे अगर बनेंगे। दोनों से बने तो, और नीचे वाले में दो, नीचे वाले में दो बनेंगे और एक और माइटोसिस कराओ फिर। टोटल चार। तो सर चार ऊपर चार नीचे आठ, ऊपर और नीचे दोनों से ही एक एक सेल बीच में चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों से ही एक एक सेल कहाँ चले जाएंगे? बीच में। सर ये डायग्राम कितना दे रखा है एनसीईआरटी में? ये डायग्राम सारा नहीं दे रखा होगा, कुछ कुछ दिया, ये लास्ट वाला दिया है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर ऊपर और नीचे से दोनों सेल बीच में आ गए तो यहाँ पे एक सेल आ गया, लेकिन यहाँ दोनों सेल फ्यूज करेंगे। क्या कर देंगे? दोनों सेल फ्यूज करेंगे। ठीक, फ्यूज। मतलब दो सेल फ्यूज करके एक ओके सेल सर, बना दिया। यहाँ पे दो सेल फ्यूज पास में है, दोनों मिलके क्या बनाए? एक सेल ऐसे फ्यूज करके बना दिया। ठीक है, ठीक। एक सेल, यस सर, और ऊपर कितने सेल बचे? हाँ सर, तीन ऊपर तीन नीचे। दोनों को बनाने का अलग अलग तरीका है। देखो ऊपर वाले को मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ, नीचे वाले को अलग से। तो टोटल हमारे पास कितने सेल हो जाएंगे काउंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सात सेल अगर ऊपर सर हमारे पास फ्यूज कितने? वाले को सिंगल काउंट करते हैं तो तीन। सेवन तो टोटल हमारे पास कितना हो गया सेल? सात सेल हो गए, तीन ऊपर एक यस, बीच में तीन और तीन नीचे और नीचे। एक बीच में। और न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? एक हाँ ये सर, न्यूक्लियस, ऊपर तीन न्यूक्लियस, और यहाँ पे बीच में कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस, एक ये तीन न्यूक्लियस हुआ। ओके पीछे, ठीक है, और दो बीच में, सात। आठ ये आठ सेल न्यूक्लियस। एक बन गया है, फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियस दो रहेंगे। हाँ न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। अरे बस समझ। तो यस सर, यहाँ पे ये जो सेल है हमारा फ्री सेंट्रल सेल है। क्या है फ्री सेंट्रल सेल? अभी तुम्हें डायग्राम में बना दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को तुम ध्यान से सर देखिएगा। फ्री सेंटर सर कौन सा, ये जो बीच में था फ्यूज हुआ बीच हुआ वाला है। था। हाँ, सर कल क्लास का टाइम क्या होगा, मॉर्निंग? कल
अच्छा पहले ये देख ले एक बार। देखो यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हो, नीचे वाला गोला। सर सर ये ओवरी उल्टी है क्या, या जो आपने डायग्राम बनाया था वो उल्टा था? ये वाला ये चीज तुम देख रहे हो ना, यस सर। ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारा इंब्रियो से कभी हम लोग ने बनाया, ठीक है। जस्ट हम लोग ने अभी क्या बनाया, जैसे भी हम लोग ने ये इंब्रियो से बनाया, और इंब्रियो से क्यों नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ छोड़। सर किसने बनाया, एक बार रिपीट करना। ये जो हम लोग ने पूरा का पूरा बनाया ना, ये जो यही इम्ब्रियो से कभी हम लोग ने बनाया, जो एक सेल से अभी हम लोग ये चार डिवाइड करके आठ सेल बनाए ना, डायरेक्ट आठ न्यूक्लियस, ये वाला चीज। तो ये चीज जो हम लोग इसको बनाए ना, ये एम्ब्रोसेक वाला, बोलते हैं। हाँ हाँ ये हम लोग ने इम्ब्रियोसेक बनाया, ठीक है। सर। इम्ब्रियोसेक को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक फीमेल है। इसी को हम गैमेटोफाइट। लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ओके ठीक सर। है। कोई लेकिन दिक्कत जो तो नहीं है यहाँ आपने पे, मैं बता बता दूंगा फिर। दिया, नहीं सर, अब सर देख लिखना एक बार टेम्पल सर। मैं फिर से लिख देता हूँ, रुक जा। चलो देखो, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर कितने सेल बन गए, ऊपर हमारे पास बन गए तीन सेल, है ना। और ये तीनों सेल किस तरफ है, इस तरफ ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर हमारा कौन सा साइड है, ये चालाजा साइड है ना। और ये ओवरी कौन सा है हमारा, एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस में जो चालाजल साइड पे जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, क्या कहेंगे उसको हम लोग, तीन सेल एंटीपोडल सेल, है ना। एंटीपोडल सेल। सर मुझे और जो कंफ्यूजन है एक मिनट रुक पहले, और जो माइक्रोपाइल सर। एंड पे जो सेल होगा इस तरफ, ये तीनों सेल कहाँ पे, ये तीनों सेल नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड पे जो सेल होंगे उसको हम लोग कहते हैं, दो तरह के सेल होंगे उसमें, एक जो होगा जो बड़ी वाली सेल होगी, ये जो बड़ी वाली सेल है ना, इस सेल को हम लोग कहेंगे एग, है ना। क्या कहेंगे हम लोग, एग। एग कहेंगे, ठीक है। और जो हमारी छोटी वाली सेल होगी, ये जो छोटी सेल है, ये वाले और ये वाले, है ना, ये दोनों सेल क्या कहलाएंगे, ये सिनर्जिड सेल होंगे। तो सिनर्जिड सेल क्या किस काम में हेल्प करते हैं, ये पॉलन ट्यूब के एंट्रिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास पॉलन ट्यूब होता है उसके एंट्री में हेल्प करते हैं, ठीक। और यहीं पे नीचे की तरफ फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, यहीं पे नीचे की तरफ क्या होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये वाली चीज, है ना। तो इसको ये क्या कहते हैं, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, विच फैसिलिटेट एंट्री ऑफ व्हाट, पॉलन ट्यूब। आई बात समझ। आपसे जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि हमारे इम्ब्रियोसेक में, इम्ब्रियोसेक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं ना, इम्ब्रियोसेक को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट और मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर किसे कहेंगे, मेगा स्पोर सेल हमारा इस, ये जो पूरा का पूरा सेल ये बना है ना इम्ब्रियोसेक, ये जिससे बना, मतलब वहां हम लोग एक सेल से शुरू किए थे ना, हम लोग कितने सेल से शुरू किए थे, सर। एक सेल एक से से, एक से हम लोग ने चार बनाया, और चारों में से हम लोग ने फिर तीन को खत्म कर दिया और एक को फिर आगे डिवाइड कराया। तो ये जो सेल है ना, सबसे पहली सेल जो हम लोग ने बनाई उसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर, क्या कहते हैं इसको, मेगा स्पोर। सर
मेगास्पोर। हाँ मेगा स्पोर कहते हैं। और जो एंड पे हम लोगों के पास ये पूरा बन के दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक। कोई दिक्कत तो नहीं है? न्यूसिलस किसे कहते हैं? न्यूसिलस इसको कहते हैं हम लोग, ये पूरा जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू है, होमोजेनस टिश्यू, इस पूरे रीजन को हम लोग, ये पूरा रीजन जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना, इसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा? अभी हम लोग ने तीन इम्पोर्टेंट चीज देखा कि फीमेल एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है ना, और एम्ब्रियो एम्ब्रियो सेक में सेवन सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, 8 न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप तो? Yes, बता दो इसको। No, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, और कहाँ गया? देखो तो अभी तो आपने ये पढ़ लिया कि एम्ब्रियो से कैसे बनेगा या पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, ये दोनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग देखो एक ये फ्लावर है हमारे पास, है ना सर? मुझे उसमें पहले वाले डायग्राम में डाउट था, आपने क्लियर नहीं किया। अच्छा हाँ 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 पूछो पूछो। वो डायग्राम में यहाँ पे डाउट है? यस सर। बोलो डाउट क्या? सर ये जो ये ओवरी है ये उल्टी बनी हुई है ना? ये ओवरी नहीं है, पहली बात है ना। हाँ सर। क्या है ये हमारा ओव्यूल? क्या है सर? ओव्यूल, टाइपिकल ओव्यूल। हाँ सर। हाँ सर, जो ये पोलन ट्यूब है वो नीचे से अंदर की साइड जाएगी ना, जो वहां पे वो लिखा हुआ है क्या है वो? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हाँ देखो। हाँ सर, तो ये ऑपोजिट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। वो अपोजिट स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारा पोलन ग्रेन उसी तरह से वहां पे अटैच रहता है। प्लासेंटा मैंने बताया था, तुमने पढ़ाया कि नहीं, वीडियो देखी थी लास्ट? हाँ सर देखी थी, लास्ट वाली रह गई है, नेटवर्क ही नहीं था आज। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आ गया। ठीक है, और पोलन ग्रेन क्या निकालेगा? पोलन ट्यूब। हाँ सर आ गया। और पोलन ट्यूब यहाँ पे आ रहा है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं एंटर करेगा, तो हमारे पास जो ये हमारा प्लासेंटा हो गया। ठीक है, और इस प्लासेंटा पे क्या होते हैं? ओव्यूल जुड़े होते हैं। कैसे? इस तरह से ओव्यूल होते हैं, इसलिए ना हमें एक टमाटर में एक से ज्यादा बीज दिखता है, या एक एक एप्पल में भी एक से ज्यादा बीज दिखता है। तो ये हमारे ओव्यूल है। ये क्या है? हमारे ओव्यूल। और पोलन ट्यूब आए ना तो हो सकता है कि यहां से एंटर कर जाए, और भी पोलन ट्यूब आएंगे वो इधर चले जाएंगे, और पोलन ट्यूब आएंगे इधर जाएंगे, है ना? तो इस तरह से हो रहे हैं। ठीक सर, एक पेटल में कई सारी होती है पोलन ट्यूब? क्या एक पिस्टल के अंदर कई सारी होती है पोलन ट्यूब? हाँ यही तो, पिस्टल एक ही पिस्टल के अंदर तो इतने सारे हैं ओव्यूल। सर ओव्यूल नहीं, पोलन ट्यूब जो होती है वो एक होती है, एक से ज्यादा होती है। पोलन ट्यूब किससे बनता है? हमारा पोलन ग्रेन से आता है ना, तो जितने पोलन ग्रेन आएंगे हो सकता है उतने पोलन ट्यूब बन जाए। ठीक है ओके। और कोई डाउट? नो सर। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो पोलन ये फ्लावर है, फ्लावर में हम लोगों ने दो चीज देखी। एक तो हम लोगों ने देखा उसका स्टिग्मा,
है ना। यस सर। अच्छी डेवलपमेंट ड्राइंग हो रही है ना, ये हम लोग ने देखा। और एक देखा हम लोग ने क्या, हाँ एक एंथर देखा ना। अब एंथर में हम लोग ने क्या बनाया, पॉलन ग्रेन। क्या बनाया एंथर में हम लोग ने, पॉलन ग्रेन बनाया। और ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन स्टोमियम को ग्रेन फाड़ के, स्टोमियम को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। इसको हमें कहाँ भेजना है, हमें इस स्टिग्मा पे भेजना है ना। तो यहाँ पे हो सकता है ये इसी स्टिग्मा फ्लावर पर। के स्टिग्मा पे आ जाए, है यस सर। ना, या फिर हो सकता है कि ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए। क्या हो सकता है वो, दूसरे फ्लावर के, हाँ दूसरे के पास चले जाए। दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए, हो सकता है ना। यस तो अब इसके ट्रांसफर को, मतलब पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को ना, इस पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को एंथर्स टू स्टिग्मा, एंथर से सिग्मा के पास। एंथर टू स्टिग्मा तक को जाने को हम लोग क्या कहते हैं इसको, पोलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसको पोलिनेशन सिर्फ ठीक है पॉलिनेशन बोलते हैं, दूसरे के पास उसको, जा रहा नहीं बस एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है ना, दूसरे अपना उससे मतलब नहीं है। एंथर से स्टिग्मा अगर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन कितने तरह का हो गया, एक ये तरह का हो गया है ना, और ये दूसरे तरह का हो गया। अगर सेम फ्लावर में जा रहा है तो एक तरह का होगा, यस दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो दूसरा तरह का। सर। और एक और हो सकता है कि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। ये एक प्लांट हो गया और इसका दूसरा फ्लावर होगा, ठीक है। हो हाँ सकता है कि यस यहां से फिर यहां आ जाए। तो पॉलिनेशन का मतलब समझ गए, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सर ये थर्ड, मतलब अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है एक ही प्लांट के, उस अरे पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? बता रहा हूँ सब बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखो इस, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि इसी डायग्राम पे चलते, चलो यहीं पे चलते। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अलग अलग तरह का पोलिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ही प्लांट पे हो रहा है, तो इसमें इन इस वाले, ये पहला हो गया हमारा, ये पहला, ये दूसरा फ्लावर और ये तीसरा फ्लावर है ना। तो ध्यान से देखना, पहला और दूसरा दोनों फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट पे है। पहला और दूसरा फ्लावर कौन सा है, एक ही प्लांट पे है। तो इसका एंथर, यहां से एंथर यहाँ बताइए पे जाए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो जाएंगे, पॉलिनेशन सेल्फ हो जाएगा। सर। अगर सेम प्लांट पे ही जा रहा है, सेम प्लांट के ही फ्लावर पे जा रहा है, तो पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ होगा, ठीक है। अगर प्लांट चेंज हो गया, प्लांट क्या होगा, चेंज हो गया, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सर यस सर। बताओ पहला कौन सा लिखूंगा, सेल्फ दूसरा क्या लिखूंगा,
ठीक है। अब सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग जीनोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनो गेमी। गेमी मतलब होता है बिया। क्या होता है? विवाह। शादी। जीनो मतलब क्रॉस होता होगा। संबंधी के साथ नहीं, है ना, बिना किसी संबंधी के, है ना, या फिर रिलेटिव्स। क्या हो जाएगा? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में साथ हो रही, ठीक है, दूर का मामा का बेटा का चाचा का, है ना, रिलेटिव्स में साथ हो रही। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, अब सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है कि अगर मान लो लड़का और लड़की, लड़का और लड़की एक ही खानदान में शादी करते हैं, क्या करते हैं, एक ही खानदान में शादी करते हैं, ठीक है, तो मतलब कि पीढ़ी तो एक ही होगी ना, क्या होगी? हाँ, ठीक है, तो ये रहा हमारे एक फ्लावर ऊपर और एक फ्लावर हमारा क्या है, नीचे। तो अब मान लो यहां से पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ चला गया? इस पे चला गया। तो इसका मतलब यहां से पोलन ग्रेन निकल के तभी आएगा जब ये फ्लावर क्या होगा, फ्लावर शुड बी ओपन। फ्लावर क्या होगा? ओपन होगा ना, ओपन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगेमस, गेमस, है ना। फ्लावर क्या होगा? ओपन होगा। और यहाँ पे अगर ये ओपन है तो इसको हम लोग इस टाइप के फ्लावर को कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, और पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी मतलब प्लांट सेम है, हमारा प्लांट सेम है, बस उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, मतलब कि हम लोग एक ही खानदान में शादी करा दिए। लेकिन मान लो फ्लावर ही क्लोज रहेगा, फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर हमारा क्लोज हो गया। तो फ्लावर ही हमारा क्लोज हो गया तो एंथर यहां से बाहर नहीं जा पाएगा, और एंथर जब यहां से बाहर नहीं जा पाएगा तो अंदर से निकल के फिर वापस अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर कैसे है हमारा, फ्लावर हमारा यहाँ पे क्लोज है या ओपन है? क्लोज फ्लावर, है ना। अब क्लोज फ्लावर में जो होता है वो ऑटोगेमी होगा, क्या होगा? ऑटोगेमी। ये बात समझ में आया? साइड वाले वर्जन दो वर्ड्स है, कैस्मोगेमी मतलब कि ओपन फ्लावर के अंदर हम कहते हैं, और गाइटेनोगेमी उस पॉलिनेशन का टाइप, और नीचे जो वर्ड लिखा है पर गाइटेनोगेमी मतलब पॉलिनेशन का टाइप। अच्छा, ये पॉलिनेशन का टाइप। हाँ, ये हमारा ऑटोगेमी एक हुआ टाइप, सेल्फ पोलिनेशन में एक ऑटोगेमी हुआ, और दूसरा टाइप क्या हुआ, गाइटेनोगेमी। आई बात समझ? तो अगर हम लोग एक ही रिलेटिव मतलब किसी खानदान में करा, सेम खानदान में करा रहे शादी, तो फिर गाइटेनोगेमी। लेकिन फ्लावर ही क्लोज रह गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहते हैं कि स्पीसीज तो सेम होनी चाहिए लेकिन फ्लावर आप कोई भी रख सकते हो। स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम होने हो सकती है, लेकिन फ्लावर क्या होगी, हमारी डिफरेंट हो गया ना। एक ये फ्लावर हुआ और एक ये फ्लावर हुआ, और किसी बच्चे को पसंद नहीं आ रहा वो प्लांट, तो इसमें दो चार पत्तियां लगा दो ना, ठीक है। सर पत्तियां भी हरी फ्लावर लग रही हैं, पत्ती तो लगी रहेगी। मेरी ऐसी पत्ती है, ठीक है, मैंने, ये मेरा प्लांट है, ठीक है। अब देख,
यहां से आपने क्या लिया, पोलन ग्रेन लिया और इस पोलन ग्रेन को उड़ा दो। अब हो सकता है कि यहां से ये किस तरह से है, यहाँ पे स्टिग्मा पे आ जाएगी, तो ये तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। क्या क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन मतलब रिलेटिव्स में हम लोग ने शादी की। हम लोग ने ऐसा नहीं कि मतलब कि डॉग की शादी हम लोग कैट के साथ नहीं करा सकते, वैसे हम लोग मैंगो की शादी गुआवा के साथ नहीं करा सकते, या फिर पाइनएप्पल की शादी पपाया के साथ नहीं करा सकते, तो वैसे ही रिलेटिव्स में होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन प्लांट डिफरेंट है, लेकिन फ्लावर्स कैसे हैं, सेम स्पीसीज के या रिलेटिव्स हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब मान लो बारात ले जानी है, तो बारात ले जानी है तो यहाँ पे इस वाले केस सेल्फ पॉलिनेशन में तो बहुत ईजी था ना, हो सकता है कि रिलेटिव मतलब सेम खानदान का होगा तो पड़ोसी वाला ही घर हो सकता है, और एक ही घर का हुआ तो मतलब कुछ जरूरत ही नहीं, कोई साधन की जरूरत ही नहीं चाहिए। लेकिन रिलेटिव के बहुत दूर दराज रिश्ते में जाना है तो हमें क्या चाहिए, साधन चाहिए। तो साधन एजेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट चाहिए। तो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आप तितली पे बैठ के चले जाओ, मतलब मैं पोलन ग्रेन की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। तो पोलन ग्रेन हो सकता है कि या तो हनी बी के साथ जाए, किसके साथ जाए, हनी बी के पास, हनी बी के साथ जाए। हो सकता है सर आप वहां से जा रहे हो, आपके हाथ पैर पे चिपक कर चला जाए। हाँ, तो हो सकता है कि देख ये मेरा ये डिस्चार्ज होने वाला है, तो फिर मैं इसको यहाँ समझा दूंगा, मतलब ठीक है सर ये एनसीईआरटी बुक है। नहीं 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 ये आंसर देख, तो हो सकता है कि वो इंसेक्ट्स के थ्रू जाएगा, ठीक, क्या हो सकता है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, या फिर वो बैट के थ्रू जाएगा तो चेरिपेट्रोफिली कहेंगे, इंसेक्ट से जाएगा तो एंटिमोफिली, स्नेल से जाएगा तो मेल्कोफिली, और बर्ड से जाएगा तो ऑर्निथोफिली, ठीक है। अगर वो एबायोटिक फैक्टर से गया, एबायोटिक मतलब हाँ हाँ याद हो जाएंगे, ये एबायोटिक फैक्टर से गया मतलब कि जैसे वाटर से गया तो हाइड्रोफिली, और अगर विंड से गया तो एनिमोफिली। एनिमो और एंटीमो में कंफ्यूज मत मानना, एंटीमो एंट चीटी वाला एंट है ना, एनिमो मतलब कि हवा वाला एनिमो, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉलिनेशन आज समाप्त होते हैं, मुझे इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा, तो फिलहाल तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सर और ये बताना एक बार, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मतलब कि जो अजीव के मतलब निर्जीव, निर्जीव के रास्ते, निर्जीव के सहारे जाते हैं ना। बायोटिक फैक्टर मतलब जो जीवित चीजों के साथ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ओके सर, सर एक वो और है, आप ये सेंड कर दोगे, आपके पास ये जो पीडीएफ थी। मैं कर दूंगा इसको, ये पीडीएफ, ये फोटो तू स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।